वेलकम टू ट्विजार्ड्स ऑटोमोबाइल्स ऑटो न्यूज। चलिए करते हैं शुरुआत। टाटा मोटर्स ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी नेक्सॉन ईवी लॉन्च कर दी है। नेक्सॉन ईवी टाटा मोटर्स के इंपैक्ट 2.0 डिजाइन कॉन्सेप्ट पर बनी हुई गाड़ी है। नेक्सॉन की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अलावा कार में काफी डिजाइन में भी चेंज किया गया, जिससे गाड़ी और ज्यादा स्पोर्टी और एजी दिखने लग रही है। नेक्सॉन ईवी को टाटा ने अपनी नई जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी से बनाया है, जो कि अपने सभी ईवीज में यूज करेगी टाटा मोटर्स। कार में 30.2 किलोवाट आर कैपेसिटी की लिथियम आयन बैटरी है, जो कि 129 पीएस की पावर और 245 एनएम की टॉर्क जनरेट करती है। इसके अलावा 0 टू 100 सिर्फ 9.9 सेकंड में पहुंच जाती है। फुल चार्ज के बाद इसकी रेंज 312 किलोमीटर है करीब। फास्ट डीसी चार्जर से एक घंटे में 80% तक चार्ज हो सकती है और किसी भी 15 एम्पीयर के प्लग पॉइंट पर, यानी नॉर्मल जो प्लग पॉइंट्स होते हैं, उन पे चार्ज करी जा सकती है। आप घर पे लगा सकते हैं रात को। ड्राइव और स्पोर्ट नेक्सॉन ईवी के दो मल्टी ड्राइव मोड्स हैं। 7 इंच का टच स्क्रीन हार्मन का इंफोटेनमेंट आ रहा है, जो टाटा अपनी बाकी गाड़ियों में देता है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले इत्यादि एप्स के अलावा 35 फीचर्स होंगे इसके जेड कनेक्ट ऐप में। व्हीकल ट्रैकिंग, रिमोट कमांड्स, ड्राइविंग बिहेवियर एनालिटिक्स, नेविगेशन, स्पीड अलर्ट और इसके कुछ करेक्टेड फीचर्स भी इनमें से मेन रहेंगे। इसके तीन वेरिएंट्स XM, XZ Plus और XZ Plus Lux की प्राइस 14 लाख, 13 लाख, 99,000, ऐसी 15 लाख और 16 लाख रुपीज है। डायमेंशंस इनके मोटे मोटे तौर पे सेम रहेंगे। डिफरेंस आपको ग्राउंड क्लियरेंस में दिखेगा, जो कि नॉर्मल नेक्सॉन में 209 mm आता है, इसमें 205 mm हो गया है। आपको नेक्सॉन ईवी कैसी लगी? क्या टाटा मोटर्स के लिए वही कमाल कर पाएगी? और टाटा के लिए क्या अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फायदेमंद रहेंगे? कमेंट करके जरूर से बताइए।